아! asalaamu As alaikum students welcome to virtual university's class on production and operations management my name is marif sohail and today is the concluding lecture on our discussion on project management in our earlier discussion we talked about the importance of project management we talked about the behavioral aspect of project management we talked about the important responsibilities associated with a project manager we talked about the responsibilities of a project team we talked about the project scope the deficiency or the poor characteristic of project scope scope creep we talked about the various important definitions relating to network diagrams we talked about the av availability of activity on arrow and activity on node with respect to network diagrams when we were talking about various techniques available to us for proper controlling of project management in our discussion today we will focus on the idea of project network with reference to activity on arrow and activity on node we will also try to talk about the importance of concept of time in project management techniques for this we'll talk about probabilistic time as well as deterministic time पल और टू एंड लुक इन डेप्थ वॉट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट ये स्टूडेंट्स हमारी आज की डिस्कशन हमारी पिछले लेक्चर की डिस्कशन को मजीद आगे लेकर बढ़ेगी और मंतकी अनदान तक पहुँचेगी दैट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो भी टेक्निक्स हम इस्तेमाल करेंगे उसमें हम लोगों ने टाइम के फैक्टर को स तरह से इम्प्लीमेंट करना और हमने टाइम के फैक्टर को इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ एक्टिविटीज़ के पाथ को भी आइडेंटिफाई करना है क्योंकि हम अपने पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कि अगर हमें क्रिटिकल पाथ एक्टिविटी आइडेंटिफाई हो जाए या तमाम क्रिटिकल पाथ एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई हो जाए तो उनकी बेसिस पर हम ऐसी एक्टिविटीज़ जो क्रिटिकल पाथ पर नहीं आती उनको ड्यूरेशन के लिहाज से स्लैग के कॉन्सेप्ट में थोड़ा बहुत एडवांटेज दे सकते हमने पिछले लेक्चर में एक्टिविटी ऑन एरो और एक्टिविटी ऑन नोट की भी बात की थी आज हमारी कोशिश है कि हम उसी एग्जाम्पल को यानी अगर हम एक हॉस्पिटल सेटअप करना चाहते हैं किसी एक पर्टिकुलर कम्यूनिटी के लिए उसको हम नेटवर्क डायग्राम के जरिए पहले एक्टिविटी ऑन एरो के जरिए और बाद में एक्टिविटी ऑन नोट के जरिए आइडेंटिफाई कर सकें तो आपके सामने स्लाइड की फॉर्म में एक डायग्राम प्रेजेंट की जा रही है दैट डायग्राम रिप्रेजेंट्स दी एक्टिविटी ऑन एरो टाइप ऑफ नेटवर्क डायग्राम। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने मुख्तफ़ एक्टिविटीज़ को जो भी नोटिफिकेशन है वो प्रॉपर तरीके से एरो के ऊपर आइडेंटिफाई करके आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है अगर हमने कहा कि पहली सीक्वेंस जो है वो लोकेशन या ऐसी जगह की तलाश है जहाँ पर हमने हस्पताल को तामीर करना है तो उस एक्टिविटी को हमने नोड वन से नोड टू तक एक एरो के ज़रिए जो पाथ ज्वाइन किया है उसके ऊपर आइडेंटिफाई कर दिया है इसी तरह से हमने कोशिश की है कि अपनी वर्कफोर्स को या अपनी प्रोजेक्ट टीम को जो हम लोगों ने डिप्लॉय करके उस प्रोजेक्ट की एक्सिक्यूशन स्टेज तक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है उसके लिए अगर कोई इंटरव्यू करना है या हमने सिलेक्शन करनी है प्रोजेक्ट टीम की वो भी हम आइडेंटिफाई करते हैं हमने तो ये भी कोशिश की है कि अपनी जो मेडिकल वर्कफोर्स जिनको हमने बाद में अपने हॉस्पिटल का एक प्रॉपर रिसोर्सफुल मेंबर बनाना है उस प्रॉपर रिसोर्सफुल मेंबर के तौर पर उनकी भी आइडेंटिफिकेशन कर दी जाए हमने ये भी कोशिश की है कि हम अपनी मशीनरी या अपने फर्नीचर या अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी आइडेंटिफाई करें या अपनी उन यूटिलिटीज़ को भी आइडेंटिफाई करें जो एक हॉस्पिटल की तामीर से रिलेट करती हैं आमतौर तो पे पर यह देखा गया है कि कुछ प्रोजेक्ट्स में बेसिक फंडामेंटल मिस्टेक्स प्लानिंग फेज में हो जाती हैं नेटवर्क डायग्राम आपको प्लानिंग एक ग्राफिकल तरीके में इस तरह से प्रेजेंट करता है कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप सारी की सारी एक्टिविटीज़ को सीक्वेंस वाइज या लॉजिकल वे में देख सकें क्योंकि अगर आप वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को कुछ प्रॉपर तरीके से नेटवर्क डायग्राम पे कैप्चर कर लें तो आपकी मैनेजमेंट आपको काफ़ी हद तक ज़्यादा बेहतर तरीके से गाइडलाइंस प्रोवाइड कर सकती है आम तौर पर ये देखा गया है कि ये सिर्फ पाकिस्तान ही की बात नहीं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ कि कुछ प्रोजेक्ट्स जहाँ पर यूटिलिटीज़ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है उन यूटिलिटीज़ को आम तौर पर नज़रअंदाज कर दिया जाता है या उनकी जो इस्तेमाल की सिचुएशन है वो कमज़ोर कर दी जाती है अगर आपने एक हस्पताल बनाया है और हस्पताल बनाने के लिए आपको बिजली पानी और गैस की ज़रूरत है और उसके ऑपरेशन के लिए भी इन्हीं तीन यूटिलिटीज़ की ज़रूरत है तो ये के ऊपर है कि आप इस रिसोर्स की यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे आप एज़ अ प्रोजेक्ट मैनेजर ये बात आइडेंटिफाई कर सकते हैं दैट यू नीड प्रॉपर गाइडलाइन यू नीड प्रॉपर स्टैंडर्ड्स जिनकी अवेलेबिलिटी के ज़रिए आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि आप अपने प्रोजेक्ट की तमाम की तमाम रिसोर्स को प्रॉपर तरीके से डिप्लॉय करेंगे आमतौर पे पर ये देखा गया है कि एक हॉस्पिटल में मरीज़ के इस्तेमाल के लिए भी कुछ स्पेशल टाइप ऑफ गैसेस चाहिए होती हैं जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का नाम बहुत आसानी से हमें याद आ जाता है ऐसी गैसेस की अवेलेबिलिटी भी तमाम के तमाम ऑपरेशनल थिएटर्स या ऑपरेशनल थिएटर्स के अलावा कुछ स्पेशल रूम्स के लिए ज़रूरी है अब मस्ट है साथ में हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर में लिफ्ट एलिवेटर या सर्विस रैम की अवेलेबिलिटी भी बहुत अहमियत की हामिल होती है तो जब कभी हम अपने इस प्रोजेक्ट में इन तमाम यूटिलिटीज और इन तमाम रिसोर्स का जिक्र करेंगे तब ही जाकर हमारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की प्लानिंग कंप्लीट होगी और ये सारी की सारी प्लानिंग आप प्रॉपर तरीके से एक्टिविटी ऑन एरो के कॉन्सेप्ट के जरिए नेटवर्क डायग्राम के ऊपर कैप्चर कर सकते हैं आपके सामने इन्हीं सेट ऑफ एक्टिविटीज़ को एक्टिविटी ऑन नोड के जरिए रिप्रेजेंट किया जा रहा है आप ये देख सकते हैं कि एक्टिविटी ऑन नोट के जरिए इन्फॉर्मेशन मोरलेस वही प्रोवाइड की जा रही है जो इन्फॉर्मेशन आपको एक्टिविटी ऑन एरो ने प्रोवाइड की थी लेकिन जैसे मैंने आपसे पिछले लेक्चर में रिक्वेस्ट की थी कि आप कोशिश ये करेंगे कि सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो चाहे एक्टिविटी ऑन एरो के जरिए आप रिप्रेजेंट करें चाहे आप एक्टिविटी ऑन नोट के जरिए रिप्रेजेंट करें लेकिन ऐसे ना कीजिएगा कि आधा डायग्राम आधा नेटवर्क डायग्राम एक्टिविटी ऑन एरो को रिप्रेजेंट करें और आधा डाइग्राम एक्टिविटी ऑन नोट को रेप्रजेंट करें तो हम कोशिश ये करेंगे कि जब कभी नेटवर्क डाइग्राम का इस्तेमाल करें तो हम नेटवर्क डाइग्राम को प्रॉपर तरीके से रेप्रजेंट करते हुए मुख्तलफ़ एक्टिविटीज़ को सीकुनस के लिहाज से या तरतीब के लिहाज से अपने हायर मैनेजमेंट या एन यूज़र या डॉक्यूमेंट फाइल का हिस्सा बनाते वक्त प्रजेंट करें ताकि आपकी या मेरी गैर मौजूदगी में कोई तीसरे साहब अगर आ के उस डॉक्यूमेंट को देखें तो वो उस डॉक्यूमेंट की इफ़ादत से पूरा पूरा फ़ायदा उठा सकें हमें यह भी कोशिश करनी है कि हम जब एक्टिविटी ऑन एरो की बात करें या एक्टिविटी ऑन नोट की बात करें तो डमी एक्टिविटी को भी रिप्रेजेंट करें जैसे मैंने आपसे अर्ज किया था कि डमी एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी होती है जो सिर्फ कंट्रोल फीचर को प्रॉपर तरीके से इनकॉप्रेट करती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में और अगर आपको याद हो हमने ये भी कोशिश की थी कि डमी एक्टिविटी को अगर हम क्रिटिकल एक्टिविटीज़ को समझते हैं कि बहुत ज़्यादा हैं या बहुत कम हैं और क्रिटिकल पाथ बहुत लंबा है तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो रिप्रजेंट करेंगी ओवरऑल बिग क्रिटिकल एक्टिविटी को हम छोटे छोटे लेवल्स में डाउन कर सकें तो अब ये आपके ऊपर है कि आप अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को कितने इफ़ेक्टिवली कंट्रोल करना चाहते हैं कुछ लोग फ्लेक्सिबिलिटी का जिक्र करके या बहाना करके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को नजरअंदाज कर देते हैं बट देन अगेन योर जॉब एज एन ऑपरेशंस मैनेजर और प्रोजेक्ट मैनेजर इज होली एंड सोली योर रिस्पांसिबिलिटी। अगर आप प्रोजेक्ट को प्रॉपर टाइम पे विद इन बजट एंड विद इन योर रिसोर्सेस अचीव करना चाहते हैं तो सारी की सारी जिम्मेदारी आपकी होगी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर आप तक पहुंचाया जा रहा है तो आपको कुछ अथॉरिटी भी दी जा रही है अभी आपका है डिसीजन uh, कि आप इस रिस्पांसिबिलिटी और अथॉरिटी को कैसे बैलेंस आउट करते हैं बट वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट नेटवर्क डाइग्राम्स आपको एक्टिविटी ऑन एरो और एक्टिविटी ऑन नोट का कॉन्सेप्ट जहन में रखना चाहिए दे शुड नॉट बी दे शुड नॉट बी इंटरमिन अगर ये इंटरमिक्स हो जाए या इंटरमिंगल हो जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी सबसे पहली बात तो यही है ये एक रिप्रेजेंटेशन है आएगी आपकी साइट से दूसरी बात लोग कंफ्यूज होंगे तीसरी बात यह है कि जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो हो सकता है आपके एंड यूज़र या सीनियर मैनेजमेंट या आपकी प्रोजेक्ट टीम तक ना पहुँचे अभी आपकी जिम्मेदारी है गेन कि आप इन चीज़ों को कैसे अवॉइड करते हैं मैंने आपसे जिक्र किया था कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कुछ डायमेंशनस बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती हैं पहली डायमेंशन कॉस्ट की होती है दूसरी डायमेंशन टाइम की होती है और तीसरी बात मोरलेस आपके प्रोजेक्ट मैनेजर के बिहेवियर से रिलेटेड होती है क्योंकि हम ये बात तय कर चुके हैं कि ऑपरेशन मैनेजमेंट सिर्फ एफिशिएंसी का नाम नहीं है ऑपरेशंस मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस और क्वालिटी का नाम है और ऑपरेशन मैनेजमेंट के साथ साथ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी यही टेक्निक्स और यही फीचर्स हमारे सामने आते हैं आपके सामने जो एग्जांपल हॉस्पिटल का रखा गया है उसके पीछे बुनियादी मकसद सिर्फ़ एक है दैट वी शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई ऑल दोज एक्टिविटीज़ जिनको हम प्रॉपर तरीके से अगर कर कंट्रोल करेंगे तो हमारी जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की पावर है वो इंक्रीज होगी और विद दिस इंक्रीज इन द पावर ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वी कैन बेटर कंट्रोल आर प्रोजेक्ट्स क्योंकि मैंने आप से की थी स्कोप करीब एक बुरी क्वालिटी है जिसकी वजह से प्रोजेक्ट्स को इंक्रीज भी होता है और एक्चुअल प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव अक्सर लूज भी हो जाता है प्रोजेक्ट मैनेजर की जो रिस्पांसिबिलिटी है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजर से ऊपर एक जो इंपॉर्टेंट इंटरफेस मौजूद है वो स्टेयरिंग कमेटी या मोनिटरिंग कमेटी के नाम से मौजूद होता है इसमें आम पर एक साहब को प्रोजेक्ट चैम्पियन का टाइटल भी दे दिया जाता है ये प्रोजेक्ट चैम्पियन कोशिश करते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो टीम है अलोंग विद द प्रोजेक्ट मैनेजर उनके साथ कुछ रिव्यू मीटिंग्स करते हैं और उन रिव्यू मीटिंग्स को वो प्रॉपर तरीके से अपनी स्किल के लिहाज से या किसी और साहब की स्किल के लिहाज से ग्राफिकली या सॉफ्टवेयर के जरिए कंट्रोल कर सकें और यही कंट्रोल और ऑडिट के ज़रिए आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को प्रॉपर तरीके से ज़्यादा आगे लेके जा सकते हैं तो आपने देखा कि वन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोजेक्ट नेटवर्क और हम इसमें एक्टिविटी ऑन एरो की बात करें या एक्टिविटी ऑन नोट की बात करें हमारी जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो क्या है वो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की ऐसी एबिलिटी जिसके ज़रिए हम प्रोजेक्ट को ऑन टाइम विद इन बजट एंड विद इन आर रिसोर्स कंप्लीट कर सकें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिर्फ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन तक महदूद नहीं होती इनफैक्ट पाकिस्तान में जितने बड़े प्रोजेक्ट्स जिन्हें हम मेगा प्रोजेक्ट्स के नाम दे देते हैं गवर्नमेंट के इनिशिएटिव पे गवर्नमेंट साइड से ही अचीव हुए पिछले कुछ अर्से से हमारे सामने पब्लिक प्राइवेट एंटरप्राइज के नाम से भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन या कुछ इंटरफेस मेगा प्रोजेक्ट्स को कम्प्लीट करते हुए नजर आते हैं ऐसे स्पेशल मेगा प्रोजेक्ट्स में आप ये कह सकते हैं कि बजट की मैनेजमेंट के लिए फाइनेंस साइड टेक्निकल एक्सपर्टीज को प्रॉपर तरीके से हैंडल करने के लिए टेक्निकल कंसलटेंट्स या टेक्निकल एक्सपर्टीज अवेलेबल होती है और ऑपरेशंस और प्रोजेक्ट साइट्स की यूनिक इंटीग्रेट और क्रिटिकल एक्टिविटीज को क्लोजली मॉनिटर करने के लिए भी ऑपरेशंस या प्रोजेक्ट साइट की टीम अवेलेबल होती है कहने का मकसद प्रोजेक्ट छोटा हो बड़ा हो आपको प्रोजेक्ट स्कोप आइडेंटिफाई करना होगा आपको ये भी ऑब्जेक्टिव को जहन में रखना होगा कि हम किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए प्रॉपर तरीके से अपने प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं और अगेन अगर आप नेटवर्क डायाग्राम के ऊपर कोई प्रोजेक्ट uh, को स्केल करना चाहते हैं या कैप्चर करना चाहते हैं एट दैट पॉइंट इन टाइम यू कैन मेक बंडल ऑफ एक्टिविटीज एज ए सिंगल एक्टिविटी अगर दस हज़ार मुख्तलफ़ एक्टिविटीज़ को कम्प्लीट करते हुए आप एक डैम बनाना चाह रहे हैं वो तो तमाम की तमाम दस हजार की दस हज़ार एक्टिविटीज़ आप नेटवर्क डायग्राम पे शायद रिप्रेजेंट ना कर सकें बट एटलीस्ट यू कैन मेक एन एबस्ट्रैक्ट मॉडल और उस एबस्ट्रैक्ट मॉडल के हुई जितनी भी क्लस्टर ऑफ एक्टिविटीज़ या बंडल ऑफ एक्टिविटीज़ को आप मिला सकते हैं उसके जरिए आप ओवरऑल स्कीमैटिक पिक्चर अपनी हायर मैनेजमेंट को और अपनी इजी रेफरेंस के लिए बना सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं प्लीज़ रेफर टू द्लाइड इन फ्रंट ऑफ व्यू आप इस पर देख सकते हैं कि हमने कुछ नेटवर्क इन्वेंशन आपके सामने प्रजेंट किए हमने कोशिश की है कि हम तमाम की तमाम जो कामन कन्वेंशन हैं वो आपके सामने प्रजेंट करें अगर मैं आपसे कहूं कि अगर एक केस ऐसा है जिसमें आप एक एक्टिविटी को सिर्फ उस टाइम पे शुरू कर सकते हैं जब उससे पहले दो एक्टिविटीज़ कम्प्लीट हो जाएं, तो इस चीज़ को हमने फिगर नंबर वन या केस नंबर वन की सूरत में आपके सामने पेश किया है जिसमें हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्टिविटी ए और बी जब तक से कम्प्लीट नहीं होंगे यू कैन नॉट टेक एक्टिविटी सी केस नंबर टू इसको भी देखिए आपकी स्लाइड के सामने मौजूद है कि जब तक से आपकी एक्टिविटी ए कंप्लीट नहीं होगी आप एक्टिविटी बी और सी को शुरू नहीं कर सकते केस नंबर सी में हम ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्टिविटी ए और बी की कंप्लीशन के बाद एक्टिविटी सी और डी शुरू हो जाते हैं और केस नंबर फोर में हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वी कैन इंट्रोड्यूस अ डमी एक्टिविटी विच अगेन एज नाट अ फिजिकल और टेंजिबल एक्सरसाइज बट अ प्रॉपर कंट्रोल फीचर जिसके जरिए आप एक्टिविटी को ज़्यादा मीनिंगफुल बना रहे हैं या आप अपनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टेक्निक को ज़्यादा बेहतर तरीके से एनहांस कर रहे हैं इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं दैट वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तो बजटिंग या कॉस्ट का जो फैक्टर है वो अपनी इम्पोर्टेंस अपनी जगह पर हम टाइम की भी जो डायमेंशन है उसको बहुत ज़्यादा ड्यू इम्पॉर्टेंस देते हैं क्योंकि अगर मैं कहूं कि जनाब मैंने आपसे वादा किया कि अपनी कम्युनिटी के लिए मैं हॉस्पिटल सेट कर रहा हूं और उसमें एक साल का टाइम दरकार है तो आज मार्च में ये बात मुकम्मल नहीं होती और पता चलता है कि मैंने अपनी जो 12 मंथ्स की ड्यूरेशन थी वो एग्जॉस्ट कर दी और अब मैं अप्रैल में आ चुका हूँ तो मोर आई हैव वायोलेटेड दी कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम कोई भी प्रोजेक्ट अगर अपने टाइम के फैक्टर को प्रॉपर तरीके से अचीव नहीं करता या अपने कंप्लीशन को सेट डेट के मुताबिक नहीं कंप्लीट होता तो वो अपनी हिफादियत खो बैठता है तो अब हमारे पास कुछ टेक्निक्स अवेलेबल होनी चाहिए कि अगर हम अपने प्रोजेक्ट को नेटवर्क डायग्राम के ऊपर एक्टिविटीज़ के ज़रिए रिप्रेजेंट करें तो वाट अबाउट द फ्यूचर इसके ज़रिए हम टाइम को भी प्रॉपर तरीके से एस्टिमेट कर सकें तो आपके पास दो टेक्निक्स अवेलेबल हैं You can have the time estimate in terms of predetermined time. This deterministic time estimate the second type is the probabilistic time estimate. Please refer to the slide in front of you. Deterministic time estimate refers to the time estimates that are fairly certain. fairly That has been incorporated. टू गिव यू द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लैक्सीबिलिटी और ये फ्लैक्सीबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप कहें कि जनाब एक जॉब जो है वो या एक एक्टिविटी जो है वो तीन दिन में कम्प्लीट होने के बजाय नौ दिन में कम्प्लीट हो रही हो इसमें ज्यादा से ज्यादा आप ये कह सकते हैं कि तीन दिन की एक्टिविटी तीन दिन से एक दिन पहले हो जाए या एक दिन बाद हो जाए तो यू हैव प्लेड विद द आइडिया ऑफ एवरेज टाइम ओवर है लेकिन एटलीस्ट आपके पास एक सर्टेन प्री डिटर्म टाइम इंटरवल मौजूद है जो आपने किसी सिमिलर एक्टिविटी के ऊपर इन्हीं तमाम कंडीशंस को रेप्लिकेट करते हुए पहले से नोट किया हुआ अक्सर ये भी होता है कि अगर एक प्रोजेक्ट किसी भी ऐसी एक्टिविटी के साथ लिंक हो जो पहले एक्टिविटी नहीं की गई तो वहां पर आप उस एक्टिविटी को क्रिटिकल पाथ के ऊपर ही शो कर देते हैं दैट यू आर नॉट श्योर वेदर दिस एक्टिविटी वुड रिक्वायर 5 डेज 10 डेज या हो सकता है वो एक ही दिन में एक्टिविटी कंप्लीट हो जाए तो वहाँ पर आपकी जो रिसोर्स की डिप्लॉयमेंट है वो थोड़ी सी अपसेट हो सकती है बट देन अगेन दीज प्रैक्टिकल इशूज़ विद द पैसेज ऑफ टाइम गेट्स रिजॉल्व आपकी अपनी एबिलिटी अपनी स्किल अपनी प्रोजेक्ट टीम की स्किल से आप ड्राई रन के ज़रिए ऐसी एक्टिविटी को पहले से प्रॉपर तरीके से हैंडल कर सकते हैं

प्रबलिस्टिक टाइम के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं लेकिन ये याद रखने वाली बात है दैट सम ऑफ़ द एक्टिविटीज आर नॉट यूनिक टू दैट एक्सटेंड के आपने या आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने पहले एक्टिविटी ना की हो अब इंटरनेट के दौर में आपके पास इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा रेडिली अवेलेबल है दैट मोस्ट ऑफ दर्गेनाइजेशन कैन एक्सेस द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ लॉड ऑफ रिसोर्सेज और उन रिसोर्स में कहीं ना कहीं आपको एक टाइम एस्टिमेट उस एक्टिविटी या उस एक्टिविटी से मैचिंग एक्टिविटी का मिल जाएगा यू कैन एन्शोर कि आप इसमें रियलिस्टिक चीज़ को या रियलिस्टिक फैक्टर भी डाल सकते हैं कि जनाब अगर ये चीज़ एक ठंडे मुल्क में गर्मी के दिनों में की गई तो वहाँ पर जो वेदर पैटर्न होगा वो हमारे स्प्रिंग या ऑटम सीजन को मैच करेगा तो अगर आप स्प्रिंग या ऑटम के दिनों में यानी मार्च या अक्टूबर के दिनों में ये काम करते हैं तो किसी ना किसी तरह से आपके पास एक सिमिलर टाइम सेट आ जाएगा इसके बरक्स अगर सिचुएशन ऐसी है कि आप कपती हुई धूप में जून या जुलाई के महीने में ये काम करते हैं तो वहाँ पर ना सिर्फ आपकी ह्यूमन वर्क फोर्स की भी एक लिमिटेशन आ जाती है बल्कि आपकी मशीन की लिमिटेशन भी सामने आ जाती है सो ट्राई टू मेक ड्यू कॉम्पनसेशन ओवर है जब कभी आप प्रोबलिस्टिक टाइम एस्टिमेट की बात कीजिए तो आप ये याद रखिए कि आपके पास तीन तरह के टाइम के कॉन्सेप्ट जहन में होने चाहिए पहली बात ऑपडोमेस्टिक टाइम की दूसरी बात पैसमिस्टिक टाइम की और तीसरी बात मोस्ट लाइकली टाइम की इन तीनों में क्या फ़र्क है जैसे कि इनके नाम हैं वही कुछ बातें आप तक मैसेज के तौर पर कन्वे कर रहे हैं क्योंकि जब हम एक बात कर चुके कि हम लोगों के पास एक वेरिएशन आ रही है कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी के लिए या टाइम अगर हम ये कहना चाहते हैं एक दिन के बजाय दो दिन लग सकते हैं तीन दिन लग सकते हैं तो वी कैन हैव डिफरेंट अप्रोचेस टू मेक गैस या एक प्रॉबिलिटी को इस्तेमाल करें कि जनाब एक्चुअल टाइम क्या हो सकता है उसके बारे में हम एक नजरिया ये रख सकते हैं डेट वी हैव एन ऑप्टोमिस्टिक अप्रोच ऑप्टमिस्टिक अप्रोच क्या मराद है? एक पॉजिटिव हम एक, एक दिन में कर लेते हैं इसके बरक्स, या आपके या आपके कहती है कि नहीं जनाब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बारिश हो रही है बारिश हो रही है आंधी हो रही है ऐसे मौके पे हमारी एक्टिविटीज कुछ देर के लिए बंद हो जाएंगी एट दैट पॉइंट इन टाइम दैट फैक्टर ऑफ चांस कम्स इन टू प्ले वहां पर आप कहेंगे ठीक है जनाब एक दिन की बात नहीं करते हम कहते हैं कि ये दो दिन में एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी तो वहां पर आपने एक पेसिमिस्टिक अप्रोच रखी हद से ज्यादा आपने कॉशन दिखाई आपने हद से ज्यादा केयरफुलनेस दिखाई और नतीजे कहा कि एक दिन की जो एक्टिविटी है उसको हम दो दिन का टाइम दे के दो दिन में कंप्लीट करेंगे इसके बरक्स एक तीसरा ग्रुप भी आपके साथ मौजूद है जो कहते हैं कि जनाब ना आप एक दिन की बात कीजिए ना आप दो दिन की बात कीजिए आप डेढ़ दिन की बात कीजिए मोरलेस दे रिलाइंग ऑन द फैक्ट कि एक फास्ट अप्रोच है जिसमें टाइम कम लग रहा है एक स्लो अप्रोच है जिसमें टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है इन दोनों को आपने एवरेज आउट किया और आपने कह दिया कि जी डेढ़ दिन लग रहा है तो मोरलेस यू हैव डेवलप्ड अ फार्मूला ओवर है अगर आपको याद हो जब हमने अपनी डिस्कशन की थी और हमने क्वालिटी के कॉन्सेप्ट को एरिया अंडर द कर्व के नजरिए से देखा था तो वी ऑलवेज टॉक्ट अबाउट द सेम कॉन्सेप्ट कि जनाब एरिया एंडर द करवेज बी इक्वल टू वन अब उसी रेफरेंस को जहन में आप रखिए एंड प्लीज रेफर टू द स्लाइड इन फ्रंट ऑफ यू आपके सामने एक स्लाइड प्रजेंट की जा रही आप ये देख सकते हैं कि एक्टिविटी जहाँ स्टार्ट हो रही है और एक्टिविटी जहाँ कंप्लीट हो रही है उसको हमने एक एरिया एंडर द कर्फ के कॉन्सेप्ट से मैच करते हुए रिप्रेजेंट कर दिया हमने ये भी कोशिश की कि आपको बताएं कि अगर हम आपक टाइम पैसेमिस्टिक टाइम और मोस्ट लाइकली टाइम को देखें तो इनकी पोजीशन बड़ी यूनिकली आपस में डिस्टिंक्टिव है यानी पेसिमिस्टिक टाइम जो है वो हम कहते हैं कि एक्टिविटी अगर स्टार्ट हो रही है आज के दिन और हम कहते हैं कि एक्टिविटी दो दिन के बाद कंप्लीट होगी तो स्टार्टिंग डेट और फिनीशिंग डेट में दो दिन का गैप आ रहा है इसके बरक्स अगर हम ऑप्टमिस्टिक टाइम की बात करें तो स्टार्ट डेट अगर आज है तो आज ही के दिन ये एक्टिविटी कंप्लीट हो जानी चाहिए या आप ये कह सकते हैं कि एक दिन की ड्यूरेशन में आपकी ऑप्टिमिस्टिक टाइम वाली एक्टिविटी मौजूद है इसके बरक्स जब हमने कहा कि जना मोस्ट लाइकली जो है वो ऑप्टिमिस्टिक और पैसमिस्टिक टाइम के दरमियान आने चाहिए तो वो दरमियान में आ रही और एरिया अंडर द कर्व के कंसेप्ट ही आपने इस्तेमाल किया आपने ये भी देख लिया कि जो वेरिएशन है उसको आप सिग्मा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जब आप सिग्मा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेरिएशन को तो आप मैथमेटिकली एक फार्मूला डिराइव कर सकते हैं विच इज बेस्ड ऑन ऑल थ्री टाइप्स ऑफ प्रस्टिक टाइम एस्टिमेट्स यानी इसमें ऑप्टोमिस्टिक टाइम भी आ गया इसमें पैसमिस्टिक टाइम भी आ गया और इसमें मोस्ट लाइकली टाइम भी आ गया जहन पे जोर देने की जरूरत नहीं है हम सिक्स सिग्मा की भी बात कर चुके हैं हम थ्री सिग्मा की भी बात कर चुके हैं ये सारी बातें मोर एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस को रिप्रेजेंट करती हैं वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल वी आर ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस द फीचर ऑफ कंट्रोल अगर पहले क्वालिटी की बात की थी अब हम टाइम की बात कर रहे हैं तो जब हम टाइम की बात करेंगे तो ये जो हमारे सामने रॉमल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है इसमें एक्टिविटी के स्टार्ट के सबसे करीब जो टाइम का एस्टिमेट होगा उसे आप ऑप्टोमिस्टिक टाइम का नाम देंगे जो درمیان में टाइम एस्टिमेट आ रहा है दैट इज़ रिप्रजेंटिंग मोस्ट लाइकली टाइम एस्टीमेट और जो सबसे दूर आपको नजर आ रहा है एक्टिविटी के स्टार्ट से टाइम एस्टिमेट उसको आपने पेस्टमिस्टिक टाइम का स्टार्ट का नाम दिया तो ये तीनों टाइम जो हैं ये आपस में एक रिलेशनशिप रखते हैं जिसके जरिए आप प्रोसेस की वेरिएबिलिटी या टाइम के एस्टिमेट की वेरिएबिलिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ सेगमा ओवर है आपने स्टैंडर्ड डिविएशन या वेरिएशन के फॉर्मूले के तहत ये देखा दैट इट इक्वल्स ऑप्टोमिस्टिक टाइम प्लस फोर टाइम्स दी मोस्ट लाइकली टाइम प्लस द पेसमेस्टिक टाइम होल डिवाइडेड बेसिक्स यही आपका फार्मूला है जो एक प्रॉपर टाइम एस्टिमेट को कैप्चर कर रहा है और जब कभी आप प्रॉपरबलिस्टिक टाइम एस्टिमेट को इस्तेमाल करते हुए किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो टाइम ड्यूरेशन है वो कैलकुलेट करेंगे तो यू बी फोकसिंग ऑन द सेम आइडिया ये याद रखिए इसी को फॉलो कीजिए और इसी चीज़ को लेकर हमने अपनी डिस्कशन को मजीद आगे बढ़ना है क्योंकि अभी हम लोगों ने एक एग्जाम्पल भी सॉल्व करना है हमारी कोशिश सिर्फ तो इतनी सी है दैट वी शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पाथ द क्रिटिकल एक्टिविटी और थोड़ा बहुत स्लैग का कॉन्सेप्ट भी हमें समझ आ जाए हमारी ये भी कोशिश होगी कि हम फॉरवर्ड शेड्यूलिंग और बैकवर्ड शेड्यूलिंग के कॉन्सेप्ट को भी समझ लें फॉरवर्ड शेड्यूलिंग क्या है बैकवर्ड शेड्यूलिंग क्या है ये चीज़ आपके हैंड में बहुत बेहतर तरीके से इनकोऑपरेट भी कर दी गई है और आज अगर हमारे पास टाइम नहीं भी होता तो आपके हैंड आउट्स जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप तमाम एक्टिविटीज़ को प्रॉपर तरीके से कैप्चर कर रहे हैं फॉरवर्ड शेड्यूलिंग में आप सब ये याद रखिए कि आप तमाम की तमाम प्रोजेक्ट की जो क्रिटिकल पाथ से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उनको फॉरवर्ड तरीके से यानि एक दिन अगर आज स्टार्टिंग डेट है अगले दिन या अगली एक्टिविटी कब जाके कर कम्प्लीट हो रही है उस कॉन्सेप्ट को लेकर आप क्रिटिकल पाथ तक जाते हैं इसके बरक्स जब आप बैकवर्ड शेड्यूलिंग की बात करते हैं तो यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड एंड यू आर मूविंग टूवर्ड्स द स्टार्ट तो इस चीज को समझने के लिए अभी हमें कुछ कंप्यूटिंग एल्गोरिदम्स के बारे में भी बात करनी हो जिसमें हम अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश लेट स्टार्ट और लेट फिनिश के कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे तो आइए हम देखते हैं इन कॉन्सेप्ट को और कोशिश करते हैं कि इन कॉन्सेप्ट के जरिए हम एक एग्जांपल को प्रॉपर तरीके से देख सकें एनाप्सर्स की थी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो बिहेवियल कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और वो इम्पॉर्टेंट रोल उस वक्त ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आता है जब हम किसी भी एक्टिविटी को नेटवर्क डाग्राम की सूरत में अपने सामने देख सकें अगर हम अपनी डिस्कशन को ज़्यादा मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो एक्टिविटीज़ हैं उनसे रिलेटेड कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट भी हैं जैसे आपने कुछ देर पहले वेरियंस का कॉन्सेप्ट देखा था आपने स्टैंडर्ड डिवियशन का कॉन्सेप्ट देखा था कि स्टैंडर्ड डिविएशन को अगर आप सिग्मा के सिम्बल से रिप्रजेंट करें तो इट इक्वल्स जो भी आपके सामने फार्मूला बताया गया था सिग्मा पी इक्वल्स ऑप्टोमिस्टिक टाइम प्लस फोर टाइम्स दी मोस्ट लाइकली टाइम प्लस पैसमिस्टिक टाइम हो ड इसी तरह से आप जब कभी नेटवर्क से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को प्रॉपर एल्गोरिदम की शक्ल में लेके जाना चाहते हैं या अगर आप उनको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के तौर पर मॉडल करना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि आपके पास चार ऑप्शन या चार कंडीशन स्पेसिफाई किए जाते हैं पहले कंडीशन को आप अर्ली स्टार्ट का नाम दे देते हैं दूसरे कंडीशन को आप अर्ली फिनिश का नाम दे देते हैं तीसरे को आप लेट स्टार्ट का या लेट फिनिश का नाम दे, दे देते हैं और ये सारी की सारी कहाँ इस्तेमाल हो रही हैं ये सारी की सारी इस्तेमाल हो रही कि आप क्रिटिकल पाथ को डिटरमिन कर सकें आप स्लैक टाइम को डिटरमिन कर सकें एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू कैन डिटर्मिन दी प्रोजेक्ट डिटेशन अब आपने देखा कि ये कंप्यूटिंग एल्गोरिदम के जरिए आप किस किस्म की ऑबजेक्टिविटीज़ और किस किस्म की एप्लीकेशन हासिल कर सकते हैं प्लीज़ रेफर टू द स्लाइड इन फ्रंट ऑफ यू आपके सामने जो एक टाइम एस्टिमेट का फॉर्मूला वो दिया जा रहा है यू ऑलरेडी नो दैट टाइम एस्टिमेट इक्वल्स द सम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक टाइम प्लस फोर टाइम्स द मोस्ट लाइकली टाइम प्लस पेसमेस्टिक टाइम होल डिवाइडेड बाय बेसिस इसी बेसिस के ऊपर आप वेरियंस को कैसे डिफाइन करेंगे वेरियंस को आप डिफाइन करेंगे सिगमा स्क्वेर इक्वल्स दिफ्रेंस

और हम साथ में हर एक्टिविटी को एक दूसरी एक्टिविटी के साथ लिंक कर दें और साथ में हम उस एक्टिविटी के ऊपर उस एक्टिविटी की पाथ को रिप्रेजेंट कर दें तो वी आर इन अ पोजिशन टू कैलकुलेट द ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी फिर आपसे वही मैं एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूं सिर्फ इस वजह से दैट आर डिस्कशन शुड एनेबल अस्ड टू बी अ मोर बेटर प्रोजेक्ट मैनेजर अगर आप इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजर बनना चाहते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप एक ही एग्जाम्पल को प्रॉपर तरीके से इन डेप्थ एनालिसिस के ज़रिए समझ लें हमने हॉस्पिटल बनाना है हमने हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट्स भी सेटअप करने हैं हमने हॉस्पिटल में मुख्तु डिपार्टमेंट्स में मुख्तु मशीनरी भी इंस्टॉल करनी है और फाइनली हमने उस प्रोजेक्ट को कम्पलीशन के बाद फंक्शनल हालत में अपनी कम्यूनिटी को भी प्रजेंट करना है तो ऑन दिस बेसिस अगर मैं आपसे ये बात कहूँ आपकी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में आप एक ऑप्टोमिस्टिक टाइम एक रियलिस्टिक टाइम जिसे हम मोस्ट लाइकली टाइम का नाम देते हैं और तीसरा पैसमिस्टिक टाइम आइडेंटिफाई करते हैं यू कैन एटलीस्ट है फेयर एस्टिमेट ऑफ द टाइम एंड सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट द प्रोसेस वेरिएबिलिटी विच वुड बी द डिफ्रेंस ऑफ ऑप्टोमिस्टिक एंड पैसमिस्टिक टाइम होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई सिक्स और थर्टी सिक्स तो ये चीज़ें हमें देखनी हैं अब ये आपकी एक्टिविटीज़ के ऊपर है कि वो आप वीक्स के बेसिस के ऊपर आइडेंटिफाई करें कि जनाब टाइम ड्यूरेशन एक एक्टिविटी के कम्पिटिशन में हम मंथ्स भी ले सकते हैं हम क्वार्टर्स भी ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस तरह की टाइम मेजरमेंट को ज़्यादा कन्वीन समझते हैं अगर आप समझते हैं कि क्वार्टर्स वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं है

फिर आपको मैं रेफर कर रहा हूँ उसी स्लाइड के ऊपर प्लीज रेफर टू द स्लाइड इन फ्रंट ऑफ यू वी हैव दैट एरिया एंड कॉन्सेप्ट अगेन एप्लीकेबल ओवर है हम यहाँ पर एक वेरिएबल जी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या जेड को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं दिस जी और जेड वेरिएबल इंडिकेट्स हाउ मेनी स्टैंडर्ड डिशन ऑफ द पार्थ डिस्ट्रीब्यूशन द स्पेसिफिक टाइम इज बियॉन्ड द एक्सपेक्टेड पार्ट ड्यूरेशन यानी आप एक तरह से ये कोशिश कर रहे हैं दैट यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि जनाब ये जी फैक्टर के जरिए हम अगर अपने एक्टिविटी को टेक अप करें किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को तो हमें ये आइडेंटिफाई हो सकता है या नहीं कि हम अपनी क्रिटिकल पाथ या एक्सपेक्टेड टाइम कंप्लीशन से कितना आगे या पीछे चल रहे हैं ये याद रखिए कि मैथमेटिकली यू वुड ऑलवेज यूज द सेम फार्मूला विच इज जी इक्वल्स स्पेसिफाइड टाइम माइनस पाथ मीन डिवाइडेड बाय पाथ मीन स्टैंडर्ड स्टैंडर्डियशन देखिए यही कॉन्सेप्ट को हम अपने एग्जांपल में इस्तेमाल कर रहे हैं वी हैव जस्ट पुट सर्टेन क्वान्टिफाइबल नंबर्स ओवर है और इन्हीं क्वान्टिफाइबल नंबर्स के जरिए हम अपने प्रोजेक्ट मेजरमेंट को ज़्यादा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्नीस के इस्तेमाल करने का मकसद हमारे इस एग्जांपल में यही है दैट वी शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई द प्रैक्टिकल इश्यूज जो एक प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे आप पोटेंशियली फेस कर सकते हैं हमारी यह भी कोशिश है कि हम कोशिश करके तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ को ऐसे रिप्रेजेंट करें कि आपके पास जितने भी ग्राफिकल टूल्स अवेलेबल हैं चाहे वो गैंड चार्ट हो चाहे वो नेटवर्क डायाग्राम हो चाहे ये एरिया अंडर द कर्फ के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए आप टाइम की वेरिएबिलिटी या आप स्टैंडर्ड एवियशन या वेरिएशन के कॉन्सेप्ट को कैलकुलेट करें और आप ये बताएं कि आपकी प्रोजेक्ट ड्यूरेशन यानी इन रियलिटी आपकी जो प्लान्ट प्रोजेक्ट ड्यूरेशन से उससे आगे जा रही है या पीछे जा रही है लाइफ से अगर आप ऑन टाइम प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं दैट इज अ गुड प्रैक्टिस बट इफ यू आर एबल टू फिनिश योर प्रोजेक्ट एहेड ऑफ स्केडूल याड ऑफ शेड्यूल देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप कोई क्रिटिकल एक्टिविटी को या मिस कर गए हैं या आपने प्लानिंग फेस में ही गलत एक्टिविटी डिज़ाइन की थी इसके बरक्स अगर आपका प्रोजेक्ट वैसे ही डेट से आगे जाके कम्प्लीट हो रहा है अगेन दिस वुड क्रिएट अ प्रॉब्लम तो ये चीजें आप कोशिश करें आप अवॉयड करें और जितनी ज़्यादा बेहतर तरीके से आप अवॉयड करेंगे उतनी ज़्यादा बेहतर तरीके से आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टेक्निक्स आपको हेल्प करेंगे हमारी आज की डिस्कशन दो एग्जांपल्स को सामने लेके चल रही है एक एग्जांपल मैंने आपके सामने हॉस्पिटल्स की बात की कि हम हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं दूसरी एग्जांपल हमारी जो तो बहुत ज़्यादा डिटेल में सॉल्व की गई है और आपके हैंडआउट्स में स्टेप बाय स्टेप मौजूद भी है उसमें हम एक कॉन्सेप्ट ले आए हैं कि अगर हम अपने शहर में दरख्त लगाना चाहते हैं तो हम दरख्त लगाने की बात किस तरह से करेंगे डीफॉरेस्टेशन e की एक एक्टिविटी पाकिस्तान बनने से लेके आज तक किसी ना किसी सूरत में हमारे सामने आती है सड़क कुछ अदा करनी है दरख्त काट दीजिए तो ये जो पी की प्लांटेशन की हम बात कर रहे हैं यह ट्राइंग टू क्रिएट अ पॉजिटिव इमेज अबाउट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैसे हमने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ही नहीं बनानी हम अच्छे काम भी कर सकते हैं तो درخت लगाने की जो एक्टिविटी को हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के रख के मुख्तलिफ़ उसके स्टेप्स के लिहाज से जो इन्फॉर्मेशन आप तक तो पहुँचाने की कोशिश की है उसको कोशिश कीजिएगा आप दोनों तरीकों से सॉल्व कीजिए मीनिंग यू शुड टेक अप दी प्रोजेक्ट नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी ऑन एरोज़ वेल एज एक्टिविटी ऑन नोट अगर आपके सामने सिर्फ एक्टिविटी ऑन एरो की बात की जा रही है तो इस वजह से सिर्फ की जा रही है कि आप एक्टिविटी ऑन नोट के कॉन्सेप्ट को उसी प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू के जरिए सेम एग्जाम्पल के ऊपर अप्लाई करें आपसे बात की गई थी कि ऑपरेशंस मैनेजर के तरह प्रोजेक्ट मैनेजर को भी मोस्ट ऑफ द टाइम प्रैक्टिकल डिसीजन के वक्त कुछ ऐसे डिसीजन लेनी पड़ती हैं जहां पर एक ट्रेड ऑफ की बात आ जाती है वो ट्रेड ऑफ टाइम फैक्टर के लिहाज से भी हो सकती है और प्रोजेक्ट स्कोप के लिहाज से भी हो सकती है अगर मैं आपसे कहूँ कि जनाब आपने एक प्रोजेक्ट को टाइम के ऊपर खत्म करना है और इसके लिए मैं आपको रिसोर्स के इस्तेमाल के ऊपर जो पाबंदी लगाएगी वो ख़त्म कर रहा हूँ तो देट फ्लैक्सिबिलिटी पार्ट इसको आप एक ख़ास नाम से आइडेंटिफाई करते हैं दैट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज नोन एज प्रोजेक्ट क्रैशिंग ये प्रोजेक्ट क्रैशिंग क्या है प्रोजेक्ट क्रैशिंग इज दॉर्टनिंग ऑफ एक्टिविटी ड्यूरेशन इसमें आप रिसोर्स को पूल इन कर देते हैं और इसका अगर आप स्टेप बाई स्टेप प्रोसीजर देखना चाहें तो प्लीज रेफर टू द स्लाइड इन फ्रंट ऑफ यू वी क्रैश द प्रोजेक्ट वन पीरियड एट अ टाइम मीनिंग हम एक एक्टिविटी को एक पीरियड के लिहाज से आइडेंटिफाई करने के बाद एक पीरियड के ही लिहाज से क्रैश करेंगे नंबर टू वी कैन ओनली क्रैश द एक्टिविटी ऑन द क्रिटिकल पार्थ ऐसी एक्टिविटी को क्रैश करने की जरूरत ही नहीं है जो नॉन क्रिटिकल हो क्योंकि क्रिटिकल पाथ कौन सा है क्रिटिकल एक्टिविटी कौन सी ऐसी एक्टिविटी जो सबसे ज्यादा टाइम लेगी उसको आपने क्रिटिकल एक्टिविटी का नाम दे दिया एंड सिमिलरली दैट एक्टिविटी वुड हैव द लॉन्गेस्ट टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन नंबर थ्री क्रैश द लीस्ट एक्सपेंसिव एक्टिविटी सो दैट गॉड फिर अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उस आप एक्टिविटी को दोबारा करके अपने टाइम और रिसोर्स को बचा सकें फोर्थ पॉइंट इज मल्टीपल क्रिटिकल पाथ्स की सूरत में फाइंड द सम ऑफ द क्रैशिंग द लीस्ट एक्सपेंसिव एक्टिविटी ऑन ईच क्रिटिकल पाथ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ऐसी मेगा प्रोजेक्ट्स जहाँ के ऊपर आपकी रिक्वायरमेंट हो जाती है कि क्रिटिकल पाथ को आप किसी तरह से छोटा करें ड्यू टू सम सोशल कॉन्स्टेंट या इन्वायरमेंटल ईशूज तो वहाँ पर आप प्रोजेक्ट को क्रैश भी कर देते हैं आप प्रोजेक्ट की क्रिटिकल पाथ की एक्टिविटी को भी क्रैश कर देते हैं बट अगर कोई सब आके आपसे कहेंगे जी मैं प्रोजेक्ट क्रैश कर रहा हूं तो डू नॉट टेक इट इन अ रॉन्ग वे ही इज जस्ट ट्राइंग टू मेक यू रियलाइज कि कोई क्रिटिकल पाथ एक्टिविटी या ग्रुप ऑफ क्रिटिकल पाथ एक्टिविटीज को वो ड्यूरेशन के लिहाज से शॉर्ट कर रहे हैं कम्युलेटिव कॉस्ट ऑफ क्रैशिंग का जो कॉन्सेप्ट है अगर आप उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो यू एंड अप रिसीविंग एंड एक्सपोनेशियल कर्व और ये एक्सपोनेंशियल कर्व नेगेटिव अंदाज में आपके सामने आता है इंडिकेटिंग कि अगर आप टोटल कॉस्ट के फंक्शन को मिनिमाइज करना चाहते हैं या ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं तो नेगेटिव एक्सपोनेंशियल कर्व के जरिए आप क्रैशिंग को इनकॉपरेट करते हुए जो ड्यूरेशन है प्रोजेक्ट की वो शॉर्ट कर देंगे और ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट या क्रिटिकल एक्टिविटी की शॉर्टनिंग को आप किस चीज में फायदे के तौर पर सामने हासिल करेंगे दैट वुड बी दी बेनिफिट जिसको आप कहेंगे कि जी रिडक्शन इन टोटल कॉस्ट तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज कुछ ना कुछ अपने साथ इंसेंटिव लेके आती हैं चाहे वो एनवायरमेंटल हो चाहे वो कोई गवर्नमेंट की तरफ से या आपकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से या आपकी ऑर्गेनाइजेशन के किसी स्ट्रेटेजिक पार्टनर की तरफ से कोई अचीवमेंट के तौर पर हो तो जब कभी आप ट्रेड ऑफ की बात करें विद रिस्पेक्ट टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तो चाहे वो बात आपके सामने कॉस्ट की हो चाहे वो बात आपके सामने टाइम की हो या फॉर दैट मैटर आपके सामने पर्ट टेक्निक का अगर आपको याद हो हमने जिक्र किया था तो पर्ट की भी कुछ ट्रेड ऑफ्स आपके सामने आएंगे कि पर्ट टेक्निक में आप कहते हैं कि मैनेजर को लाजमी आप ऑर्गेनाइज बना देते हैं देट ही शुड बी एबल टू प्लान एंड कॉर्डिनेट हिज एक्टिविटीज और वो पेपर के ऊपर बैठ के प्रॉपर तरीके से इस सारी की सारी एक्टिविटी को डॉक्यूमेंट करें तो जहाँ ये पर्ट की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है या एडवांटेज है वहाँ पर्ट की एक डिसएडवांटेज भी है कि जनाब हो सकते दी पर्सन में एंड अप लूजिंग फोकस और वो एक इम्पॉर्टेंट या क्रिटिकल एक्टिविटी को फॉरगो कर दे या डॉक्यूमेंट ना करे तो हर चीज का पॉजिटिव नेगेटिव पहलू तो हमें पहले ही पता है तो वाई नाट दीज सॉफ्टवेयर जिनको हमने कहा कि जनाब जिनके जरिए आप बहुत बेहतर तरीके से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को हैंडल कर सकते हैं आमतौर पर यह देखा गया है कि जो सॉफ्टवेयर्स हमारे सामने अवेलेबल हैं वो एक फ़िक्स पैटर्न के ऊपर काम करते हैं चाहे आप उसमें ब्लैंक टेम्पलेट का इस्तेमाल करते हुए अपनी वैल्यूज या अपनी टाइम ड्यूरेशन के कॉन्सेप्ट को इनकॉप्रेट कीजिए और एक क्रिटिकल पाथ को आइडेंटिफाई कर लीजिए चाहे आप गैंड चार्ट इसमें फॉलो करें चाहे आप इसमें एक्टिविटी ऑन एरो के कॉन्सेप्ट को फॉलो करें एक्टिविटी ऑन नोट के मैथडोलॉजी का इस्तेमाल करें इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट वॉट यू आर डूइंग ओवर हेयर इज दैट यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज प्रोजेक्ट की जो तो एक्टिविटीज हैं अगर आप उनको प्रॉपरली मैनेज कर लें तो आपकी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम हल हो जाए लेकिन ये देखा गया है कि सॉफ्टवेयर एक कैंड सोल्यूशन आपके सामने ले गए इसमें फ्लेक्सीबिलिटी का फैक्टर थोड़ा सा कम है और अगर आपकी कंप्यूटर स्किल्स या आपकी प्लानिंग स्किल्स कमजोर हैं या आप अपनी प्लानिंग स्किल्स को सॉफ्टवेयर स्किल्स साइड पे नहीं लेके जा सकते तो यूल एंड अप अपी प्राइस ये ऐसी बातें हैं जो हमें किसी ना किसी तरह से समझ आ जाने चाहिए कि हर चीज का हल टेक्नोलॉजी के पास नहीं होता हर हल जो टेक्नोलॉजी आपके सामने रखती है वो प्रैक्टिकल नहीं होती अब हमें यह भी बात क्लियर होनी चाहिए कि वी ऑलवेज इंकर आ रिस्क फैक्टर एज वेल वन एवर वी टेक यूनिक और नॉन रेपटिव एक्टिविटी देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट एक रिस्क का जो फैक्टर इन्वॉल्व है वो हमें अपने शेड्यूल से पीछे धकेल सकते हैं या हम अपनी टारगेट को अचीव ना कर सकें तो जब कभी आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं यू ऑल्सो टॉक अबाउट द इनहेरेंट प्रॉब्लम ऑफ रिस्क और रिस्क को भी अगर आप चाहें तो प्रॉपर तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं इसमें दो या तीन तरीके हैं जो हम कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली फॉलो कर रहे होते हैं ड्यूरिंग दी कोर्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पहली बात तो ये है इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल रिस्क यू कैन एनालाइज एन एस एस यू रिस्क तीसरी बात यह भी है कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप जो भी रिस्क के फैक्टर्स हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता वीड आउट करके एलिमिनेट कर दीजिए इससे क्या फायदा होगा आप ज्यादा बेहतर कंट्रोल हासिल कर सकते हैं एंड सिमिलरली यू कैन ऑल्सो एस्टेब्लिश दी कंटीजेंसी प्लान्स जिनके जरिए आप प्रॉपर तरीके से अपने प्रोजेक्ट को अचीव कर सकते हैं ऑन टाइम विद इन बजट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आपका प्रोजेक्ट स्कोप था उसके मुताबिक आपसे पिछले लेक्चर में बात की गई थी कि हम कोशिश करेंगे कि ऑपरेशन स्ट्रेटजी को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के फोकस के साथ आपके सामने पेश करें दोकस कॉन्सेप्ट वुड बी डेट वी शुड बी एबल्ड टू आइडेंटिफाई द माइनस एसोसिएटेड विद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपनी ऑपरेशन स्ट्रेटजी ऐसी बनाए जिसके जरिए वो अपने कंपेटर्स के ऊपर एक एडवाटेज हासिल कर सकें अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की प्रॉपर स्किल रिसोर्स या टेक्निकल एक्सपर्टीज एक ऑर्गेनाइजेशन के पास अवेलेबल नहीं है कंसल्टेंट विद द सेम एक्सपर्टीज आमतौर पर देखा गया कि आई टी बेस्ड प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती ही उस वक्त है जब इन हाउस एक्सपर्टीस एक ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं होती ऐसे मौकों पर आई टी बेस्ड ऑपरेशन स्ट्रेटेजी ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह से डेवलप करती हैं दैट दे हायर और दे टेम्परिरी सीक असिस्टेंस फ्रॉम सर्टन कंसल्टेंट्स उन कंसल्टेंट्स के जरिए वो एक प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करने के बाद उस प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव को मीट करते हुए उसको कंप्लीशन की तरफ ले जाते हैं और फिर बाद में उसी टेक्निकल एक्सपर्टीज रखने वाले कंसल्टेंट के मेंबर्स को वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेशनल साइट का मेंबर बना देते हैं इस स्ट्रैटी के ज़रिए आप अपनी डेफिशेंसी को अपनी एक्सपर्टीज में भी चेंज कर रहे हैं प्लस एट द सेम टाइम यू आर इंक्रीजिंग एंड एनहांसिंग योर कॉम्पिटेंस वर्क तो यही एक स्ट्रेटेजी है जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग साइड पे हो या सर्विसेज साइड पे हो या उसका कोई सपोर्ट फंक्शन लाइक टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो उसको आप बेहतर तरीके से रिफाइन कर सकते हैं तो आपने देखा कि हमने दो लेक्चर्स जो डिस्कस किए इसमें हमने कोशिश की कि हम ये आइडेंटिफाई करें कि प्रोजेक्ट्स जो हैं वो यूनिक सेट ऑफ एक्टिविटीज़ हैं हमने ये कोशिश की कि प्रोजेक्ट्स जो हैं वो एक लाइफ साइकिल के थ्रू जाते हैं प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल से हम क्या मुराद लेते हैं प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल से हम वही मुराद लेते हैं जब मैंने आपके सामने कोशिश की थी कि दस के करीब मुख्तलिफ स्टेजस आइडेंटिफाई कर दी जिसमें हमने कहा कि जनाब अपने प्रोजेक्ट को पहले कंसेपचुलाइज किया या उसके स्कोप को आइडेंटिफाई किया हमने फिर उसमें प्लानिंग कोऑर्डिनेशन बजटिंग टीम फॉर्मेशन या प्रोजेक्ट मैनेजर सिलेक्शन की भी बात की फिर हमने उसमें प्रॉपर कम्युनिकेशन के साथ साथ एक्टिविटीज़ को स्ट्रीमलाइन करने की भी सिचुएशन को टेकअप किया सो द होल सिचुएशन गोस थ्रू अ साइकिल अब वो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में जब प्रोजेक्ट की अचीवमेंट हो जाती है प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव आप अचीव कर लेते हैं एट दैट पॉइंट इन टाइम यू कैन दैट योर प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल हैज बीन कम्पलीटेड लेकिन आम तौर पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस इसको दूसरे एंगल से टेक अप करती हैं दे डिसाइड टू इंप्लीमेंट अ प्रोजेक्ट और उसी बेसिस के ऊपर वो मजीद उससे सिम्बलर नेचर के प्रोजेक्ट्स को भी टेकअप करते रहते हैं बिकॉज प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की जो इफादियत है वो रिक्वायर करती है कि आपकी वन टाइम एक्टिविटी किसी ना किसी तरह से आपके और ज़्यादा बिजनेस ऑब्जेक्टिव को मीट करने में आपकी मददगार साबित हो हमने अपनी डिस्कशन में पर्ट और सी पी एम टेक्निक्स का भी जिक्र किया हमने देखा कि पर्ट और सी पी एम बेशक अलग अलग ज़माने में अलग अलग तरीके से आइडेंटिफाई हुए बट विद द पैसेज ऑफ टाइम इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा हद तक अब कॉमन हो चुकी हैं एंड इन रियलिटी इट डज नॉट मैटर वेदर यू आर फॉलोइंग दर्ट और द सी पी एम टेक्निक जो चीज़ ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप अपनी बिजनेस ऑब्जेक्टिविटी को अचीव कर सकें आप अपने प्रोजेक्ट स्कोप को प्रॉपर तरीके से अचीव कर सकें ऑल्सो आपकी ये भी कोशिश होती है कि आप सारी की सारी इंफॉर्मेशन को नेटवर्क डाइग्राम्स के जरिए अपनी हायर मैनेजमेंट एज वेल एज अपनी टीम के सामने रखें सो दैट जो भी चेंजेस इनकॉपरेट हों या रिफाइनमेंट इनकॉप्रेट हो किसी एक्टिविटी की ड्यूरेशन के लिहाज से उसको भी आप प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई करके इंप्लीमेंट कर सकें हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स के साथ साथ कुछ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स का भी जिक्र किया हमने ये देखा कि टेक्नोलॉजी हमेशा अपनी वर्च्यू और वाइस के साथ आती है अगर टेक्नोलॉजी प्रॉपर तरीके से इनकॉपरेट होगी तो आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ज़्यादा इफेक्टिव होगी अगर टेक्नोलॉजी कि नो हाउ आप ऑर्गेनाइजेशन को नहीं है या स्किल नहीं है तो वो नो हाउ उल्टी आपको नुकसान पहुंचा सकती है जैसे कहा जाता है कि कॉमन सेंस हर चीज़ में बहुत ज़रूरी है ऑपरेशंस मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कॉमन सेंस वाकई बहुत ज़रूरी है बट ऐसा कॉमन सेंस जो आप कहें कि जनाब मैंने किसी से ये सुना या मैंने दस लोगों के बात कहते हुए सुना हो सकता है वो दस के दस लोग फुली कॉम्पिटेंट ना हों तो जब कभी आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करें तो आप ये याद रखिएगा कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में दो डायमेंशंस यानी फाइनेंस साइड और टेक्निकल साइड ये इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं और इस इक्वल इम्पॉर्टेंस के लिए ज़रूरी है कि आप लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग दें या ऐसे लोगों को आप अपनी टीम का मेम्बर बनाइए जो किसी थर्ड पार्टी के जरिए प्रॉपर सर्टिफाइड हो अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के पास पी पी सर्टिफिकेशन है या पी एम आई की तरफ से सर्टिफिकेशन है तो चांसेस ये हैं कि वह ज्यादा बेहतर तरीके से आपके प्रोजेक्ट को मैनेज भी करेगा और ऐसी स्ट्रैटेजी इवॉल्व करने में हेल्प करेगा जो आपकी ऑपरेशन एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी को ज्यादा बेहतर बनाएगा डेयर स्टूडेंट्स आई थैंक ऑल ऑफ यू फॉर यार्टिस एंड सिंसियरली होप दैट द कॉन्सेप्टी लर्न विद रिस्पेक्ट टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट Would find judicious application in your future endeavor as an operations manager and project manager. Till the next time, stay safe, be happy and focus on your studies.